और लेबनान में आरडीएफ का पेजर बम हमला, सैकड़ों हिज्ब लड़ाके घायल हुए, हिज्ब के पेजर हैक करके विस्फोट, ईरानी राजदूत भी जख्मी हुए, पेजर इस्तेमाल करता है हिज्ब। तो देखिए, एक बहुत बड़ा हमला पेजर इस्तेमाल करके, हिज्ब के पेपर हैक करके विस्फोट, ईरानी राजदूत भी इसमें जख्मी हुए हैं और ये सैकड़ों हिज्ब लड़ाके घायल हुए हैं, हिज्ब क्योंकि पेजर इस्तेमाल करता है। तो देखिए, कुर्स कब्जे का हट यूक्रेन के लिए बेहद घातक साबित होने लगा है। यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। रूस ने 38,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है और अब लगातार यूक्रेनी सैनिकों का संहार हो रहा है। कुर्स में सैन्य वाहनों और यूक्रेनी टैंक भी भस्म हो रहे हैं। माना जा रहा है कि सैनिकों के खत्म होने से यूक्रेन अपनी सुरक्षा करने लायक नहीं रहेगा और कुर्स की वजह से ज़ेलेंस्की पूरा यूक्रेन हार सकते हैं। डर यह भी है कि हार टालने के लिए ज़ेलेंस्की ज़ापोरिज़िया या कुर्स पावर प्लांट से परमाणु रेडिएशन का धमाका कर सकते हैं और पूरा यूरोप एटमी संकट से घिर सकता है। रूस के एक इलाके पर संपूर्ण शक्ति का संग्रह और बाकी इलाके चंद सैनिकों के भरोसे। ज़ेलेंस्की की ऐसी रणनीति ने रूस को जीत की नई उम्मीद दी है और नेटो को बहुत ज्यादा तनाव। कुर्स्क में अब यूक्रेनी फौज का टिके रहना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि रूस ने कुर्स्क में 38,000 सैनिकों की तैनाती की है। यूक्रेन के सैनिकों का संहार जारी है। यूक्रेन कुर्स्क के मुकाबले में पिछड़ता जा रहा है। यूक्रेन के पास रूस की विशाल सेना से मुकाबले के लिए सैनिक नहीं है। यूक्रेन के पास रूसी वायुसेना से मुकाबले के लिए एयर डिफेंस नहीं है। रूस के ग्लाइड बम, फैब बम से बचने का यूक्रेनी फौज के पास कोई साधन नहीं है। लेकिन ज़ेलेंस्की कुर्स्क मिशन को बंद करना नहीं चाहते। नतीजा यह हो रहा है कि कुर्स्क में रूसी सैनिकों की कामयाबी बढ़ती जा रही है और यूक्रेनी सेना के नुकसान का आंकड़ा बढ़ रहा है। ज़ेलेंस्की के लिए सबसे चिंता वाली बात है यूक्रेनी सैनिकों की लगातार मौत, जिसका आंकड़ा जल्द 1,500 हो सकता है। कुर्स्क में कई जगहों पर यूक्रेनी सैनिक घिर गए हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिक लगातार सरेंडर कर रहे हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिक ग्लाइड बम का शिकार बन रहे हैं। पुतिन कुर्स्क के विनाश का मन बना चुके हैं। पुतिन जानते हैं कि लगातार बमबारी से रूस का कुर्स्क खंडहर बन जाएगा, लेकिन पुतिन किसी भी कीमत में कुर्स्क में घुसे यूक्रेनी सैनिकों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते हैं। रूस सीमा के करीब दो और इलाकों को खाली करा रहा है, रिला और खोमोतोवस्की से लोगों को जल्द निकालना होगा। दोनों इलाके बॉर्डर से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं। रूस के इस ऑर्डर से मकसद साफ हो रहा है। रूसी वायुसेना हर उस इलाके को तबाह कर रही है जहां यूक्रेनी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। बमबारी में रूसी नागरिकों की मौत ना हो, इसलिए कुर्स्क के कई इलाके खाली करा लिए गए हैं। कुछ दिन पहले ही यूक्रेन का खॉर्न ग्रुप कुर्स्क में घुसा है। यूक्रेनी खॉर्न ग्रुप रूस के सैनिकों पर लगातार हमले कर रहा है। अब खॉर्न ग्रुप को भी हवा से बमबारी करके खत्म करने का प्लान है। फिलहाल यूक्रेनी फौज कुर्स्क के ग्लुश्कोवो में इकट्ठा हो रही है। यहां से लोगों को निकाला नहीं जा सका है, इसलिए अब यहां रूसी वायुसेना का ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है।
लेकिन बाकी इलाकों में रूसी फौज यूक्रेनी सेना से कब्जे वाले इलाके लगातार छीन रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि कुर्स्क में यूक्रेन के कब्जे वाले ज्यादातर इलाके खाली करा लिए गए हैं। और रूस रक्षा मंत्रालय का दावा है कि कुर्स्क के खोमुतोव्स्की और रिल्स्की इलाके में रूसी सेना यूक्रेनी फौज को 15 किलोमीटर पीछे धकेल चुकी है और 1100 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। रूस ने दावा किया है कि कुर्स्क के उस्पेनोव का और बोर्की इलाके पर भी रूसी सेना का कब्जा हो चुका है और यूक्रेनी फौज को मोर्चा छोड़कर भागना पड़ा है। कब्जा छुड़ाने की इस भीषण जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुर्स्क में यूक्रेन के 13,800 सैनिकों की मौत हो चुकी है और यूक्रेन के 115 टैंक को भी नष्ट कर दिया गया है। यूक्रेन की सेना कुर्स्क में पूरी ताकत के साथ दाखिल हुई थी ताकि रूसी सेना की डिफेंस लाइन को तोड़ा जा सके। कुर्स्क में रूसी सेना को खुद को मजबूत बनाने में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन अब यूक्रेनी सेना अपने हथियार गंवाने के साथ ही सैनिकों को भी गंवा रही है। अब तक कुर्स्क में यूक्रेन के 44 लड़ाकू वाहन नष्ट हो चुके हैं, 729 बख्तरबंद गाड़ियां जल चुकी हैं, 439 सैन्य वाहन भस्म हो चुके हैं। इतने बड़े पैमाने पर आर्टिलरी और वाहनों को खोने के बाद यूक्रेनी सैनिक पैदल हैं और जंगलों में छिपकर युद्ध लड़ रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों के पास राइफल, रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड लॉन्चर जैसे हथियार ही बचे हैं। जबकि रूसी फौज आर्टिलरी, ड्रोन और लड़ाकू विमानों से हमले कर रही है। सोमवार को कुर्स्क में 350 सैनिकों की मौत हो गई, 2 टैंक और 13 वाहन नष्ट हो गए। यूक्रेन इसी तरह कुर्स्क में हर दिन मात खा रहा है क्योंकि रूसी सेना की ताकत अब बहुत ज्यादा हो चुकी है और यूक्रेनी सेना के पास कोई बैकअप नहीं है। दूसरे देश की जमीन पर युद्ध लड़ने के लिए सप्लाई लाइन का सक्रिय रहना बेहद जरूरी है, लेकिन सुमी की सप्लाई लाइन को रूस ने ब्लॉक कर दिया है। सुमी में मौजूद नेटो देशों के हथियारों को नष्ट कर दिया गया है। सुमी से बैकअप फायर देने वाली आर्टिलरी का बड़ा हिस्सा भी भस्म हो चुका है। यूक्रेन की लगातार नाकामी भी रूस को डरा रही है क्योंकि रूस को बहुत पहले पता चल चुका है कि हार से बचने के लिए यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाका कर सकता है। कुर्स्क और ज़ेपोरिज़िया दोनों जगहों पर न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं और इन दोनों जगहों पर यूक्रेनी फौज मौजूद है। ऐसे में रूस को डर है कि ड्रोन से यूक्रेन पावर प्लांट पर हमला कर सकता है ताकि कुर्स्क की हार को टाला जा सके। दूसरी तरफ कुर्स्क के अलावा यूक्रेन के कई और इलाकों में रूसी सेना के हमले तेज हो गए। सैनिकों की कमी के चलते यूक्रेन के बाकी इलाकों में रूसी सेना को बेहद तेजी से कामयाबी मिल रही है। यही वजह है कि अब कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कुर्स्क कब्जे के मिशन की वजह से ज़ेलेंस्की पूरे यूक्रेन को भी हार सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।